Next question arises here. Moment of force, which is called torque, applied on an electric dipole when it's freely suspended in uniform electric field. थोड़ी सा ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंग्लिश का देखेंगे, है ना। तो यदि इसको हिंदी में थोड़ी सा अपन कन्वर्ट करें कि अपन को क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। यदि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, रखा है फ्रीली, फ्री रखा हुआ है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। जैसे ये नहीं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक सी डायरेक्शन है, जैसा कि हमने बताया था कि यदि पैरेलल लाइंस है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो फील्ड लाइन चल रही हैं, है ना, वो उनको अपन क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन ने रखा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है यहाँ पर ए और ये है बी। ए जो है माइनस क्यू है और बी क्या है, प्लस क्यू है, और उसको अपन ने इस प्रकार से रखा हुआ है, जैसे वो थीटा एंगल बना रहा है, एक्चुअली थीटा एंगल बना रहा है वो किसे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपको पता ही है 2a डिस्टेंस है, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, इस प्रकार से अपन ने फ्रीली सस्पेंडेड करके रखा हुआ। तो जैसे अपन इसको सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है एफ, और एक फोर्स यहाँ लगता है, यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव के कारण ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर फोर्स लगते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, चूँकि हम पहले आपको यहाँ बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होती है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ये थोड़ा सा आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो F इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू ई फोर्स लगेगा, माइनस के लिए भी उतना ही लगेगा क्योंकि दोनों के अमाउंट बराबर हैं, ये इसकी पोलरिटी माइनस क्यू प्लस क्यू है, लेकिन इनके जो अमाउंट हैं वो बराबर हैं, तो अमाउंट क्यू अमाउंट है, तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पर भी फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया जाए, दो फोर्स लगाया जाए, तो वह ऑब्जेक्ट क्या है, रोटेट होता है, रोटेट करने की कोशिश करना, ये जो डायपोल है वो रोटेट करने के कारण, रोटेट की कंडीशन पर होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैलर आने की कोशिश करेगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये घूम जाएगा तो घूमने का तो पैलर हो सकता है, होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें क्या अप्लाई होता है, टॉर्क जनरेट हो जाता है, क्या जनरेट हो जाता है यहाँ पर, टॉर्क। तो टॉर्क या इसको अपन मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क की डेफिनेशन 11th में अपन ने पढ़ा हुआ है, टॉर्क को डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है,
यहाँ पर अपन लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स का मतलब ये है कोई भी एक फोर्स यहाँ पर लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर डिस्टेंस बना रहे हैं, परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये है कि एक डायरेक्शन, एक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ऐसी है, एक फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, तो इन दोनों के बीच की ये कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जैसे यहाँ पर डिनोट किया जाए तो OB जो है वो दोनों फोर्स के बीच की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस, द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेस OB। तो यहाँ पर QE, एक फोर्स कितना है QE, और अपन को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। OB फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, OB की वैल्यू निकालना है। OB जो है यदि यहाँ पर थीटा बनाया जाए तो OB जो है वो परपेंडिकुलर है, OB की वैल्यू निकालना है। और अपन को पता क्या है, AB पता है, AB जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं, जो कि कांस्टेंट है। AB इज इक्वल टू 2A, अपन पहले भी देख चुके हैं। तो OB निकालना है, AB अपन को पता है, OB क्या है परपेंडिकुलर, OB क्या है परपेंडिकुलर, और AB क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो जाता है साइन थीटा, OB अपॉन AB इक्वल टू कितना आएगा साइन थीटा, और AB की वैल्यू 2L, तो OB इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू QE, और OB की जो वैल्यू है 2L साइन थीटा, OB की वैल्यू कितनी होगी 2L साइन थीटा, तो 2A है यहाँ पर, 2A है, सॉरी ये 2A है, OB की वैल्यू कितनी है 2A, यहाँ पर 2A हो जाएगा। फिर से एक बार अपन यहाँ पर बताते हैं कि OB की जो वैल्यू है वो कितनी है 2A, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ गया QE इंटू 2A साइन थीटा। देखो ये QE इंटू OB है, OB की जगह क्या रख दिया अपन ने 2A साइन थीटा, तो QE इंटू 2A साइन थीटा आ गया। 2A और Q को एक साथ कर दे, 2A इंटू क्यू इंटू ई साइन थीटा, तो 2A इंटू क्यू की जगह पी हो जाता है। इसको अपन डायपोल मोमेंट बोलते हैं, क्योंकि 2A इंटू क्यू इज इक्वल टू पी, तो ये आएगा टाउ इज इक्वल टू
पी ई साइन थीटा, या फिर इसको अपन ऐसा कर सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यदि अपन वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि जब ए बी जो है, मतलब डायपोल जो है वो पैरेलल हो। थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, डायपोल क्या हो, पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जब डायपोल पैरेलल होगा तो टॉर्क कितना होगा, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती तो टाउ इज इक्वल टू जीरो जाएगा, मतलब टॉर्क नहीं लगेगा। जब ये पैरेलल होगा तो टॉर्क नहीं लगेगा। एंड परपेंडिकुलर कंडीशन है, मतलब जब 90 डिग्री होगा तो थीटा की जगह साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो कितना जाएगा पी ई। इसको अपन मैक्सिमम बोलते हैं, ये हो जाता है मैक्सिमम, ये हो जाता है मिनिमम। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब जब पैरेलल कंडीशन होगी, मतलब जो डायपोल है वो किसी एंगल पर ना होगा, जीरो एंगल पर होगा, तो पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन में टॉर्क मिनिमम, और यदि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर सीधा ऐसा रखा हुआ है मान लीजिए, तो टॉर्क कितना जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है टॉर्क के लिए। अब देखें, बताएं।